नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने 23,521 आज मार्केट के अंदर देख लिया। मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये 23,521 का लेवल हमारे लिए, मार्केट के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े आपके पास म्यूचुअल फंड्स के लिए या बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े FIs के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। मतलब ये कि मार्केट के अंदर 23,521 का मैजिक क्या है, मैं आपको एक ही चीज़ डिटेल में बताकर चलूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं मेरी ऑडियंस के साथ ईमानदार रहूँ और जो भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करके चलता हूँ, नोटिस करके चलता हूँ, मैं हमेशा उन्हें समझा सकूँ, उनको सिखा सकूँ, तभी आप मेरे साथ हमेशा जुड़े भी रहते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ करते हैं कि लास्ट एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था और सच में क्या कहते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या पोजीशंस बनती हैं। देखो दोस्तों, हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि 12,000 के पास मिड कैप निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशन बन सकती हैं, फाइनेंस निफ्टी 23,900 के नीचे वीक रहेगा। निफ्टी के अंदर हमारे को ऐसा लगता था कि मार्केट के अंदर 23,521 एक इम्पॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन रहेगी, जिसमें 23,521 के पास मार्केट के अंदर एक बड़ी बाइंग आ सकती है। इस चीज़ को हम समझने की प्रॉपर कोशिश करेंगे, इनके पीछे के रीजंस क्या हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देख कर गए थे कि बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आ सकता है, 51,000 आपके पास के पास में उसमें एक बाई जोन बन सकता है और 51 ऐसे 52,000 की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब सिर्फ ये हमारा एनालिसिस था मार्केट को लेकर। इसके अलावा हम लोगों ने अगर इस वजह का 51,000 के ऊपर 51,000 के स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस, निफ्टी के अंदर आपके पास में 23,521 के पास से बुलिश पोजीशंस, मार्केट के अंदर मिड कैप निफ्टी में 12,000 के पास से बुलिश पोजीशंस, ये सिर्फ मार्केट का व्यू हम लोग लेकर मार्केट के अंदर गए थे। इसके अलावा हम लोग मार्केट के अंदर नहीं गए थे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन सारी चीजों के पीछे की असल वजह है क्या। तो देखिए, समझ के चलते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास में हम लोगों ने चार्ट्स को लगा लिया, हम यहाँ पे चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और इन चार्ट्स के जरिए हमारे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा भी समझ में आएंगे और जिस डेटा को मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर 23,521 का लेवल हमें देखने को मिलता है। अगर आप मार्केट को एग्जैक्टली देख के चलेंगे, डेली कैंडल मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मार्केट ने आज अपना 23,509 का लो मारा है और 23,559 पर हमारे को क्लोजिंग मिलती है। मतलब 509 का लो मारने के बाद में 59 पॉइंट की मार्केट के अंदर एक हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। दोस्तों, 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारे पास में है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में ही मार्केट ने एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट ली है। दोस्तों, मार्केट के अंदर ये जो सेल ऑफ है ये यहाँ हमारे पास में इस हाई के पास में, देखिए जब ये मार्केट 26,000 के ऊपर निकला था तब भी हम लोग इस बारे में बात करते थे कि मार्केट ने 26,270 का अपना एक लाइफ टाइम हाई मार लिया है। और दोस्तों, आप लोगों को मतलब यहाँ से हम लोगों ने अपने निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के बैचेस भी स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने 26,200 की पुट से मार्केट के अंदर बेयर ट्रेड्स भी ओपन किए थे। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट में स्विंग्स की थी और उस जगह पर मार्केट ना ट्रेंडिंग बनता चला गया। दोस्तों, मार्केट जब कभी ट्रेंडिंग बनता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ वाले स्टॉक का, स्विंग ट्रेड वाले ट्रेडर का नुकसान सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में उसकी जो पोजीशन हैज है और उसने अगर 300-400 पॉइंट पर अपनी किसी एक हैज पोजीशन को एडजस्ट कर लिया है जिसके अंदर वो प्रॉफिटेबल पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक कर चुका है और लॉस मेकिंग पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा है, तो जब भी कभी एक डायरेक्शन का ट्रेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंडीशन में उसके लॉसेस बड़े होंगे। लेकिन इस जगह पर अपनी पोजीशंस को समझते हुए मार्केट के अंदर बड़े पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, तुरंत ही स्विंग से बाहर निकल कर डायरेक्शनल ट्रेड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आप स्विंग से बाहर निकलोगे और डायरेक्शनल एक्टिव ट्रेड्स के अंदर शिफ्ट हो गए, वहाँ पर आपको कंपलसरी स्टॉप लॉसेस का पालन करना होता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिफ्ट होती है, स्टॉप लॉस उनके अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, रिवर्सल की रैली के अंदर भी हमें स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मार्केट को समझ के चलोगे तो मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स और उनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के चलूँगा। तो 23,521 आज मार्केट के पास में 200 डेज के मूविंग एवरेज का प्राइस निकल कर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज मतलब एक साल के अंदर निफ्टी की टॉप 50 कंपनियों ने जो भी काम करा उनका एक एवरेज प्राइस क्या निकल कर आता है। उस इंडाइसेस का इस समय एवरेज प्राइस पूरे साल का 23,521 निकल कर आता है। मतलब उन सारी कंपनीज के सारे कामकाज को मार्केट क्या वैल्यू देके चल रहा है, 23,521 वैल्यू देके चल रहा है।
23,521 क्या एक मार्केट के अंदर एक फेयर वैल्यू निकल कर आती है? एक्सपेक्टेशन है, जवाब है हाँ, कि मार्केट अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास, एक आपके पास में 200 दिन के कामकाज के प्राइस के पास, मार्केट उसकी वैल्यू को फेयर वैल्यू मानकर चलता है, इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है दोस्तों। ऐसा अकेला हम नहीं सोच रहे। अगर आप FIJS की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर जाएंगे और FIDS की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर जाकर कहीं अगर आप इसी चीज़ को अगर आप चेक करोगे तो ये बात आपको क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी कि कहाँ से मैं लेवल्स आपके इसमें कैलकुलेट करता हूँ। आज मार्केट में 23,521 है, पहले भी कभी 23,521 मार्केट के अंदर रहा होगा। 13 नवंबर को अगर आप देखिए, 13 नवंबर मतलब आज के दिन मार्केट में DIS की बाइंग 6,145 करोड़ की है और इस जगह पर FIS की सेलिंग कुल 2502 करोड़ की है दोस्तों। ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास में, सबसे कम जो आपके पास में सेलिंग FIS की 2306 करोड़ की थी, उससे का उसके बाद जो सेलिंग दे रखा थी 2502 करोड़ की, मतलब आज FIS की सबसे कम सेलिंग है और आज मार्केट में DIS की सबसे बड़ी बाइंग है और ये जो लेवल है 23,521 है। अब आप मुझे खुद बताओ, मतलब ये वो जगह है जिस जगह पर जिन्होंने अपने शॉर्ट्स को क्रिएट किया होगा, यहाँ पर अपनी पोजीशंस को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ पर लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और 6,145 करोड़ की न्यू पोजीशंस DIS मार्केट के अंदर क्रिएट करके गए और FIS ने अपनी कम से मतलब मिनिमम सेलिंग यहाँ पर की है। अगर आप इस समय पर डेटा को ओवरऑल एवरेज देके चलोगे तो 27,000 करोड़ की सेलिंग के आगे 24,000 करोड़ की बाइंग है, मतलब कुल 3,000 करोड़ की मार्केट में नेट सेलिंग है। नेट आपके पास में बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अगर आप देखो तो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर अभी भी इस समय पर कुल 3,000 करोड़ की पोजिशंस के साथ मार्केट में शॉर्ट है। ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी जगह पर जब कभी ऐसे लेवल्स मार्केट के अंदर निकल कर आते हैं तो लेवल्स हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर 23,521 एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आया। अब इस 23,521 के बाद क्या होगा? देखो दोस्तों, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ये आपका 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट अगर यहाँ से पलटी लेता है तो मतलब मार्केट के अंदर ये एक लेवल बनता है जहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है दोस्तों। मार्केट में जब भी कभी आपके पास में 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास या किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से रिकवरी आती है तो वो रिकवरी हमेशा वी शेप की रिकवरी रही है। आप देखिएगा कभी भी ये रिकवरी हमें जो देखने को मिली है, एक वी शेप की रिकवरी हमें देखने को मिलती है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास से हमें देखने को मिलती है। पर वो 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत नीचे था, 21,247 पर था, पर ये जो 21,247 है ये आपके पास में मार्केट के अंदर एक साल पीछे का प्राइस है और आज मार्केट के अंदर हम लोग एक साल बाद की बात कर रहे हैं तब जब बहुत कुछ मार्केट के अंदर बदल चुका है। तो दोस्तों मार्केट कहीं इस समय पर अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ निकलता है, 23,521 के नीचे निकलता है, तो जब तक मार्केट 23,521 के नीचे है तब तक हमारा व्यू मार्केट के लिए बियरिश है और 23,000 के लेवल, 22,568 के लेवल, 22,045 के लेवल मार्केट में अभी भी ओपन है। मतलब मार्केट इन लेवल्स को कभी भी धीरे धीरे करके कुछ समय के कंसोलिडेशन के साथ टेस्ट कर सकता है। जब तक मार्केट वापस 23,521 के ऊपर नहीं आता, 23,521 के स्टॉप लॉस से हम मार्केट पर भी लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, 23,521 के स्टॉप लॉस से आज मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट हुई होंगी और हमारी भी लॉन्ग की पोजीशंस इस समय पर मार्केट के अंदर है और हमारे क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन भी शेयर की गई है दोस्तों। मैं जैसा जैसा सोच रहा हूँ वैसे वैसे मैं करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को बताकर चलता हूँ और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करके चलता हूँ। बस हमारी और क्लाइंट्स की पोजीशंस कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो जिन पोजीशंस के अंदर हमने काम किया होता है वो हम क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन व्यू मैं आपको मार्केट का हमेशा बताकर चलता हूँ। तो मेरी कोई भी वीडियो आपको बहुत नॉलेज देकर जाएगी और किसी तरीके की उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। हाँ, अगर मार्केट 23,521 के पास से वापस नीचे की तरफ आएगा तो 23,521 हमारा स्टॉप लॉस होगा और मार्केट में फिर हम फर्दर मार्केट में हम बेरिश व्यू के साथ में मार्केट को ट्रेड कर रहे होंगे दोस्तों। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी को लेकर। इस समय निफ्टी एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पर है जहाँ पर निफ्टी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दोस्तों मार्केट के अंदर जैसे जैसे पोजीशन चेंज होंगी मैं आप लोगों को बताकर भी चलूँगा। बैंक निफ्टी अभी एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर है जिस जगह पर हमें मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मार्केट के अंदर अभी कुछ नहीं कह सकते। एक बहुत वोल्टाइल मूव बैंक निफ्टी के अंदर अभी आने बाकी हैं और बहुत वोल्टाइल मूव बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है। फाइनेंस निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश है, मिड कैप निफ्टी को लेकर व्यू मेरा बुलिश है, बैंक निफ्टी को लेकर व्यू मेरा मिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टाइल मूव वाला मतलब मूव है, मेरे को एक्सपेक्टेशंस है।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आप अगर हमारे साथ किसी व्यक्ति की पोजिशन हेज स्ट्रेटजीज में जुड़ना चाहते हैं, या आप स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में जुड़ना चाहते हैं, या आप हमारे किसी स्मॉल केस के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।